अभी हाल ही में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। कई टीवी चैनलों ने भी इस खबर को बड़ी प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसमें नाना पटोले ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। दरअसल प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। हालांकि इस बारे में उन्होंने सफाई पेश करते हुए यह भी कहा था कि वे पीएम मोदी के बारे में नहीं बल्कि एक स्थानीय गुंडे जिसका नाम मोदी है उसके बारे में बोल रहे थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाना पटोले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन मोदी के खिलाफ कहे गए आपत्तिजनक बयान को लेकर जारी विरोध शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। नाना पटोले के खिलाफ नागपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले की, जो महाराष्ट्र की उपराजधानी कही जाती है। यहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं और वे नाना पटोले के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की मांग है कि पटोले ने पीएम के खिलाफ जो आपत्तिजनक बातें कही हैं उसे लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकता दर्ज की जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जे बेताल बड़बड़ करता है, त्यांची बुद्धी गाढ़ बुद्धी असते, आणि ज्यांची बुद्धी गाढ़ बुद्धी असते त्यांचं नाव नाना पटोले असतं। आमच्याकडे सगळ्या गाढवांचं नाव नाना पटोले। ज्यांच्याकडे कंटेंट संपतो, ज्यांच्याकडे कुठली भाषा उरत नाही, आणि आजकाल मोदींना शिव्या देणं, मोदींवर टीका टिप्पणी करणं ही फॅशन झालेली आहे। स्वतःच्या कर्तृत्वानं जे माणूस वर येऊ शकत नाही, त्यांची पात्रता नसते, ते अशा प्रकारे टीका टिप्पणी करून वर येत असतात। बेताल बळबळ करणारी गाढव बुद्धी, त्या गाढवाला, प्रत्येक गाढवाला आमच्या गावामध्ये नाना पटोले म्हणतो। या नाना पटोलेशी, या गाढव नाना पटोलेशी, त्या विद्वान नाना पटोलेंचा तीळ मात्र संबंध नाही। ते अतिशय विद्वान आहे।